आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो एवरीवन गाइस क्वेश्चन गिवन है द ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनल ग्रुप एंड इंडिकेट द सिग्मा एंड बॉन्ड आपको जो है कार्बोनल ग्रुप का स्ट्रक्चर बनाना है एज वेल एज़ आपको सिग्मा और बॉन्ड्स बताने हैं उसमें क्या है ठीक है तो कार्बोनल में कार्बन होता है और वो डबली बॉन्डेड होता है ऑक्सीजन के साथ में ये है फंक्शनल ग्रुप और कार्बन कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है वैलेंसी ऑफ कार्बन इज फोर क्योंकि इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं फोर इलेक्ट्रॉन होते हैं ठीक है इट हैज़ फोर इलेक्ट्रॉन तो इसकी वैलेंसी भी फोर हो गई सो so, अब वैलेंसी फोर है इसका मतलब फोर बॉन्ड्स फॉर्मेशन होने हैं चार बॉन्ड बनाएगा ये तो कार्बन जो है चार बॉन्डिंग कर लेता है ठीक है इसके पास एक सिंगल बॉन्ड एंड दो सिंगल बॉन्ड एंड एक डबल बॉन्ड कार्बन इन कार्बोनल ग्रुप कार्बोनल ग्रुप फॉर्म क्या बनाता है टू सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड वन डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एटम ठीक है ऑक्सीजन के साथ में ये डबली बॉन्डेड होता है तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें सिग्मा बॉन्ड कौन सा है और पाई बॉन्ड कौन सा है तो अगर हम देखें जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं दैट इज सिग्मा बॉन्ड ठीक है ये है सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड ये भी है एंड अगर डबल बॉन्डेड होता है कोई भी कंपाउंड फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है एंड एक पाई बॉन्ड होता है ओके okay? अगर कोई ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा एंड दो पाई बॉन्ड होंगे ठीक है तो सिंपली वैसे ही अगर यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन की डबल बॉन्डिंग हुई है तो इसमें से एक तो सिग्मा बॉन्ड होगा एंड एक हो जाएगा आपका पाई बॉन्ड ओके तो यही पूछा हुआ है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कौन कौन से उसको इंडिकेट करना था तो ये हमने कर दिया है कार्बोनिल ग्रुप के लिए क्लास सिक्स से लेकर नीट आई आई टी जाएगी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स कवर हो आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर